गुरुभ्यो नम ओं गम गणपतये नम ओं नमते नम ओं राम रामाय नम ओं मातेश्वरी नमो नम ओं मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नम ओं शांति शांति शांति। भाई लोग, बुद्ध बाबा आ गए मेष राशि में। शुक्र बुद्ध सूर्य कालपुरुष कुंडली के पहला घर में। ज्यादा नहीं चाटूंगा, थोड़ा सा चाट के साफ कर दे रहा हूँ, समझ जाओ क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे रहस्य। ऑलरेडी राशिफल निकाल दिया बुद्ध का, मेष राशि देख लीजिए। यहां शुक्र भाग रहा है वृष की ओर, बुध भी उछल कूद चला रखा है, सूर्य भी निकलने वाले हैं, ज्यादा दिन नहीं रहे वाले, अभी संक्रांति भी हो जाए। लेकिन ये चंद दिन है ये बड़ा मतलब पेचीदा कंडीशन। एक तरफ मकर वाले को क्रोध दे रहा है, अशांति दे रहा है, एक एक प्रकार का तामझाम, मन में उथल पुथल, अनकंट्रोल, समझ में नहीं आना, गलत डिसीजन होना। दूसरे तरफ सबसे ज्यादा एक प्रिपरेशन बना रहा है तुला राशि के अष्टम स्थान के लिए और वृष राशि के लिए, एक प्रिपरेशन, प्री प्रिपरेशन पंचग्रह कूट के लिए। बड़ा सावधान इस समय रहना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। एक फायदा जरूर हुआ, जो जड़ बुद्धि योग बन रहा था, मूर्खता, मूर्खता से तो यहां बुध निकल, मूर्खता लेवल से हम लोग बच गए, निकल गए। जिस जड़ता के कारण हमें समझ में नहीं आ रहा था, निर्णय नहीं ले पा रहे थे, गलत निर्णय ले रहे थे, इस कंडीशन से बाहर आए। लेकिन अभी एक दूसरा योग बना है, ले भागा योग बनता है बार बार। ले भागा योग तभी बनता है, एक तो जड़ बुद्धि हो तो जड़ बुद्धि आउट हुआ, लेकिन यहां पर आके बुद्ध ये शुक्र और सूर्य के एनर्जी को बूस्ट करेगा। इधर गुरु भी अस्त, ऑलरेडी उसका मैं दिखा दिया हूं, गुरु हैव नो पावर, शुक्र हैव नो पावर, बुद्ध सूर्य, और बुद्ध अभी राहु से मिलके आया है तो उसका एनर्जी तो ऐसा नहीं कि धुल गया, साफ हो गया, वो भी नहीं है दिमाग में। तो इस समय जिसका भी लड़की उड़की है और किसी का भी अफेयर पफेयर चल रहा है, ये लोग बवंडर करेंगे बाबू, इनसे थोड़ा सा समझा बुझा के रखना। इस समय का कोई भी ले भागा योग में फायदा नहीं है, बल्कि परेशानी दिखाई दे रहा है। इस समय बड़े सारे तामझाम, गंडोगोल, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा वृष राशि के जीवन में भी, और तुला का अष्टम में होने के कारण इनका, और मिथुन का द्वादश में होने के कारण, तो हॉस्पिटल से लेके कोर्ट कचहरी, माली मकदमा से लेके वगैरह वगैरह। तो ये भी एक अच्छा खबर है कि जहां बुद्ध यहां घुस रहा, हमारे केजरी साहब झाड़ू वाले कंपनी वाले बाहर निकल रहे हैं, अच्छा है। लेकिन फिर 20 तारीख को फिर जाएंगे सरेंडर करने, तो ये रिजल्ट है इस कंडीशन पे। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं सावधान कराना चाहूंगा, ये लेभागा कंपनी वालों को, लड़की वाला, लवरा लवरी वाला, इनसे थोड़ा सा सावधान रहने का आवश्यकता है, समझो। बहुत से न्यूज ऐसे आ रहे हैं, यहाँ इतना मूर्ख करता है कि दो बेटा का माँ को भी लेके भागने वाला कंडीशन यहाँ बना है। और जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशन वाले बैठे हो, बीबी बच्चा लेके और दूसरे से भागने के लिए नहीं आ रहे हैं ना भाई। कल ऐसे ही एक आया संवाद ना, तभी तो पहले से बताया था ले भागा योग, तो अभी हो रहा है। ऐसे अगर किसी लड़की को इस समय ज्यादा उग्रता, शुक्र का महादशा, राहु में शुक्र, शुक्र में राहु चल रहा हो, कृपा करके अपने को कंट्रोल करें। मैं जानता हूं इस समय आपका बाप, आपका माँ, आपका दादा दादी, मित्र बंधु, कोई आपका दुख नहीं समझेगा। कह रहा हूं तो कह रहा हूं, कुछ दिख रहा हूं तो कह रहा हूं। तो ये जरूरी है अपने को सुरक्षित सावधानी के साथ चलना। रेमेडी, तुलसी का पत्ता लीजिए, तुलसी का मिट्टी थोड़ा सा लगाइए, उसमें क्लिंग कृष्णाय, गोविंदाय, गोपी जन वल्लभाय, राधा माधवाय, श्री कृष्ण, जो भी मंत्र है जानते हो उसको बोल के यहाँ पर लगा देना। ऐसे उंगली, इस उंगली में 15 मिनट तक, जिनको समस्या है सबको करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये माथे पे जब ऐसे लोग बैठ जाते हैं ना तो ज्यादा ही उग्रता कवर अप हो जाता है और गलत निर्णय लवरा लवरी के केस में बन जाता है। और ये प्रिपरेशन है तो देखना, उस समय बड़े सारे केसेस, गलत न्यूज आएंगे, डेथ केस भी आ सकते हैं जब पंचग्रह कूट बनता है। और ये जानते हो पंचग्रह कूट बनता क्यों है? एक मीटिंग है यहाँ, क्योंकि इस टूर के बाद शनि सीधा वृष को देखेगा, फिर दूसरा मीटिंग मीन राशि में, उसका भी बता दिया था। मीन राशि में क्यों होगा कि शनि यहाँ आएंगे तो उससे पहले यहाँ फील्ड बनाना पड़ेगा, शनि देव आ रहे हैं, रास्ता वास्ता साफ करो, जगह साफ करो, उसके बाद शनि बाबा घुसेंगे यहाँ पंचग्रह कूट, बाद पहले पहले। तो
ये दोनों का एक प्रिपरेशन है तो उसका प्रभाव थोड़ा सा इनडायरेक्ट रहेगा। मैं समझ रहा हूं आप नहीं समझ पा रहे होंगे क्या बोल रहा हूं, लेकिन सावधान, बुध का मंगल में मेष का राशि में आना, और तो ये अभी सब दौड़ दौड़ के वहां घुसने वाले हैं वृष में, बृहस्पति के पास, और बृहस्पति बाबा बन के बैठे हैं। और ऐसे कंडीशन में जो लोग रोगी बूढ़ा उम्र पार हो गया, इनको सावधान, और वृष राशि वालों को एक्सीडेंटल इफेक्ट के लिए सावधान। धन्यवाद, नमस्कार।